हर हर महादेव दोस्तों, वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू। अगर मैं बात करूँ डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, तो ये सारे वर्ड छोटे हैं। जी हाँ, केशव कपूर 140 kg वेट जिनका था, जिन्होंने अपने अंदर सोच रखा था, अपने अंदर मान रखा था कि मुझे ये चढ़ाई करनी है किसी भी हालत में। जैसे जिनकी चढ़ाई 9 बजे स्टार्ट हुई थी और रात के 3 बजे इन्होंने समाप्त करी थी अपनी चढ़ाई, क्योंकि इन्होंने ठान रखा था मुझे जाना है बाबा के, तो पहुँचना है तो पहुँचना है। तो दोस्तों, सच में सीखना है तो नौजवान लड़के से सीखिए, केशव कपूर से। तो सल्यूट है स्ट्रेंज एंड ट्रीम के द्वारा। हर हर महादेव। का टाइम हो चुका है और भाई हमारे देखो नए नए देख रहे हैं। अब हाय करो। हाय। कहाँ जाएंगे अभी? अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ की तैयारी कर रहे हैं। हर हर महादेव बोल दो सारे। शंकर भगवान की जय। यात्रा हमारी चालू हो चुकी है। मजा आ रहा भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शंकर की। जय शंकर की। सारे बोल दो जय बोले की। जय बोले। शंकर भगवान की जय। जय 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 जय। अरे गोरीकुंड। ठीक है, और ये हम सब रेडी है। गाड़ी देखिए अभी दीपक कैसा लग रहा है हवा खाते हुए। गाड़ी गाड़ी शादी में बैठेंगे। आप सब लोगों को केदारनाथ ट्रैक पे ले जा रहा हूँ। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से 10 मिनट लगेंगे गौरीकुंड के लिए। पिछले मैच में एक लड़का आया था। अच्छा, वो अकेले बाहर निकल गया था, रुका नहीं वो हमारे साथ। अच्छा, कह रहा मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये सब प्लान बोल रहा था। जब ऊपर पहुंचा, ऊपर भी खुद पहुंच गया। वहाँ पे बाबाओं के साथ बैठा हुआ है, दारू पी रहा है, जो भी नशे कर रहा है। तो बाबा ने अपने बस में कर लिया उसको। ठीक है। देन अगले दिन ट्रैक डाउन भी हमारे साथ नहीं करा उसने, खुद से करा। हेलीकॉप्टर से नीचे आ गया। हाँ। तो उसके घर पे हमने फोन कर दिया कि आप घर बदल गया, ऐसा ऐसा है, वो हमारे साथ नहीं जा रहा। अच्छा। तो उनके फैमिली ने बोला कोई इशू नहीं, आप उसको वहीं छोड़ दो। अच्छा। फिर उसकी फैमिली आई उसको लेने ऋषिकेश में, उसने होटल बुक करा। हाँ। होटल में रुका, उसने होटल के शीशे फोड़ दिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें होटल वाले बता रहे कि ये पूरे कपड़े उतार के पेड़ पे लटका हुआ था, बैठा हुआ था वहाँ पे। तो उसके साथ ऐसा हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप लोगों से सब इसे निवेदन है कि कोई रात में इतनी देर तक बाहर मत रहना, अकेले ना निकल रहे हो। तो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रात में अगर आप वहाँ पे आते हो तो 11-12 बजे बाहर ना आयो। 11-12 बजे भी नहीं, अकेले मत निकलना। अकेले मत निकलना। और हम जा रहे हैं गंगोत्री। तो सारे भाई हमारे रेडी है। रेडी हो भैया? ये दिख रहा जो आवाज लगा रहे थे ना, बम बम बोले, यही थे वो भैया। जय बोले की। देखिए अभी हमें कितना ऊपर जाना है। यहाँ पे आप लोग ऐसा ही एक ही जगह जहाँ पे आप टच कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसी जगह। हाँ। वाव। और ये छोटी छोटी गलियों से आगे बढ़ते हुए चुके हैं गौरीकुंड के पास। चेतावनी दे रखी है भाई। और ये दीपक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट। जय माई की। देखिए आप कितने पास से गौरीकुंड। हाँ। जय गंगा भैया की। वही हमारे सैनिटाइज वाले भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं भैया। वो चला के दिखा दो भाई। देखिए सेफ है यार, सेफ्टी आप आ सकते हो, बहुत सेफ्टी पर। तो बीच में ना हमसे पूछा गया था कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर है, तो आप आओ उनको यार, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप रखिएगा अपने साथ, देखिए लापरवाही मत करना। ओम नमः शिवाय। हम यात्रा कर रहे थे, मुझे एक यूट्यूबर भाई मिले हैं मेरे। तो चैनल का नाम क्या आपके? द हिट सो फार। द हिट सो फार। भाई के चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, और नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छी अच्छी वीडियोज भाई बना रहा है, तो उसको मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम चल रहे हो, बहुत थक गए हम इस समय, बर्फीले पहाड़ जहाँ पे हमें जाना है। महादेव का नाम लेते रहो। बिल्कुल। तो जाओगे आप हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, पानी मत पीना कभी, थोड़ी थोड़ी पीना, गले से पानी, गला गिला करना। नींबू पानी बना रहे हो आप? अच्छा सा बनाना, मस्त है ना।
ज्यादा ना आप जाने में भी दिक्कत नहीं होने की। बिल्कुल भैया, एक ग्लास किसने कितने का देते हो? 30 रुपए ओनली। 30 रुपए ओनली ओनली कह रहे हैं। हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों सच कहता है, स्वर्ग से हवा आती है और कितनी प्यारी हवा है भाई, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम भी एक दिन केदारनाथ आएंगे महादेव। सुना है वहाँ सही में स्वर्ग से हवा आती है, बिल्कुल आ रही है। सच में आ रही है। हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ है हम 10.5 किलोमीटर। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे वेदेव नाथ शंभु है शिवाय शंकरा। बहुत ज्यादा थकावट है इस चढ़ाई में, लेकिन इसका जो फल है बहुत खूबसूरत है। ऊपर कम से कम 7 किलोमीटर की चढ़ाई भी हमारी रहेगी। हम ये जो है शॉर्टकट से जा रहे, देखिए। बिल्कुल देखिए दोस्तों, मंदिर के बहुत करीब है हेलीकॉप्टर आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, अच्छा ग्राउंड है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम भी मेहनत कर रहे हैं। एक अंकल है वो गिर गए थे, अभी इनकी ठीक है, अभी SDRF वाले आ रखे हैं और इनकी मदद करने के लिए आ गए, तो सर्विस बहुत अच्छी है इनकी। ग्लेशियर देखिए दोस्तों, मैं आपको ग्लेशियर दिखाते हैं, आपको आइए पास से ग्लेशियर दिखाते हैं। हर हर महादेव। अंदर बर्फ ही बर्फ देखिए। हाउ द जोश, हाउ द जोश, जोश 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 जोश। पहले ट्रैकिंग यहाँ से होती थी, लेकिन जब से वो बाढ़ वाला सीन हुआ तो ये रास्ता बंद कर दिया, अभी ये रास्ता यहाँ से है। देखिए हम आ चुके हैं बेस कैंप पे, आ चुके हम दोस्तों। फाइनली वेट ओवर हुआ और बहुत थक गए यार, और हम आ गए केदारनाथ की। आवाज़ आ रही है आपको, चल दिखा देते हैं। देखिए फाइनली हम रूम में आ चुके हैं और पीछे से आवाज इतनी अच्छी आ रही है, सब शोर शराब हो रहा है भाई। थक के चूर हो गए, बस सोएंगे। ऐसा लग रहा है आप सभी को भाई, थकान ही नहीं हुई है। अभी मैंने एक भाई को देखा था, अब इस तरह पड़ गया था जाके। दोस्तों 4:30 का टाइम हो गया और हम उठ चुके हैं, हमारी नींद भी वैसे नींद नहीं आ रही। दीपक भाई साहब हमारे यहाँ पे देखे रेडी हो रहे सो करके। ये भैरव मंदिर चलते है दोस्तों। मंदिर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, देखिए ये रहा मंदिर। आ चुके हैं भैरव बाबा के यहाँ पे। सबसे पहले कदम हमारे दीपा भाई के बढ़े। तो देखिए आप वहाँ देख रहे हैं केदारनाथ बाबा का मंदिर है और हम एकदम पहाड़ों के ऊपर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मंदिर के अंदर भी दर्शन हो रहे हैं। ये जो लाइन है बहुत ही लंबी है, इतनी मेहनत के बाद हम लाइन में आ गए। जय बोले की दर्शन बहुत अच्छे से हुए, अच्छे से हुए ना? बिल्कुल जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। जिस पत्थर ने बाबा के मंदिर को बचाया था, उस पत्थर के दर्शन करने जा रहे हैं। चलते, ये देखिए ये रहा पत्थर। हो
अगर आप ट्रैकिंग करने आते हो ना तो पूरी तैयारी के साथ आना। पहले तो आपका जो बैग है वो लाइट होना चाहिए, ज़्यादा सामान उसके अंदर ना भरना, ठीक है। और आप देखिए ज़्यादा खाना ना खा के जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है सफ़र के अंदर। लिक्विड के ऊपर देखिए, मैं भी लिक्विड ही पी रहा था और बिस्किट विस्किट हमने खाया, नॉर्मल खाना खाया था, इससे हमें चढ़ाई में इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो सबसे पहले ना मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ, निपुर भाई जरा आप आइए मेरे सामने और जनता को कुछ बताइए यार कुछ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? हेलो दोस्तों, यहाँ आके मैं अपनी फीलिंग्स को शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तीन शब्द जरूर बोलना चाहूँगा केदारनाथ मंदिर के बारे में। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। इस मंदिर को देखने के बाद में मेरी जो फीलिंग है, अगर अभी के अभी मेरी मृत्यु भी आ जाए ना तो मुझे रत्ती भर का भी गम नहीं है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं केदारनाथ, और आप देखिए मेरे पीछे जो है केदारनाथ का मंदिर है और हर हर महादेव। और दोस्तों मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे ट्रैकिंग करके, आप भी आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए सबसे पहली बात है कि आप कभी भी ट्रैकिंग करो तो मॉर्निंग में कोशिश करो 8 बजे तक निकल जाएं। 8 बजे निकल जाओगे तो आप 5 बजे तक पहुंच जाओगे, तो 7 बजे की आरती, 6 से 7 आरती होती है, वो अटेंड कर लोगे, समझ लो स्वर्ग में हो। स्वर्ग एकदम जो पॉजिटिव एनर्जी जो मिल रही है, एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी। एक दिन हम भी केदारनाथ आएंगे महादेव, सुना है वहाँ स्वर्ग से हवा आती है, हर हर महादेव। सोनिका जी एक बार आ जाइए आप। ओ सोनिका जी कैसा लगा? सबसे बड़ा मुझे लगा आपने चढ़ाई करी थी। सबसे पहले मैं ही आई थी। आप ही आए थे? मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी। या तो 5 पांडव आए थे आपके साथ? 5 पांडव तो आए थे, वो तो है, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे आई हूँ। गैंग आ जाओ, सारी गैंग आ जाओ।